मंगल मीडिया की खास पेशकश राजस्थान मेवाड़ एक शख्सियत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं, महाराणा प्रताप की वसुंधरा। राजस्थान जिले की जेतपुरा में है, उतना है लोकप्रिय प्रजापत समाज मुंबई में है। एक ऐसा शख्सियत जो बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी व्यवसाय के नया नगरी मुंबई में आता है और शून्य से शिखर तक सफर तय करता है। लक्ष्मण जी प्रजापत हमारे साथ हैं। लक्ष्मण जी, आप जानना चाहेंगे नया नगरी मुंबई में आपका आगमन कैसा हुआ और सफर की शुरुआत कैसे और कब हुई? जब मैं 8वीं पास होकर 9th में एडमिशन लिया था तो 2 महीना पूर्ण 9th में करने के बाद में मैंने बम्बई में 20 रुपये लेके बम्बई आया था। उसके बाद में मैंने एक सर्विस किया, स्टील की दुकान पर मैंने आइसक्रीम का धंधा किया था। 1987 में समाज की एक नींव रखी थी बांद्रा यार्ड के अंदर, उसमें समाज के छोटे छोटे व्यापारियों के साथ में, भाइयों के साथ में, और उसने समाज को संस्थापित किया था। बाद में मैंने खुद का बिजनेस शुरू किया था। जैसा आपने कहा कि आप नया नगरी मुंबई आए, व्यवसाय किया, आइसक्रीम के बाद आज एक आप सफल ज्वेलर व्यवसायी। तो तमाम ऐसे लोग भी आते हैं कि जो मेहनत तो करते हैं लेकिन उनको वो मंजिल नहीं मिल पाती और वो वापस राजस्थान लौट जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे ताकि वो भी आपकी तरह एक सफल व्यवसायी बने? बम्बई में जो भी अपने भाई बंद है वो अपनी ईमानदारी और नैतिकता के साथ में और माँ बाप के आशीर्वाद से बम्बई में आएगा तो उसको भूखा नहीं रह सकता, वो अपनी शिखर की सीढ़ियाँ चढ़ते ही रहेगा, ऐसी मेरी मानना है। मेवाड़ प्रजापत समाज मुंबई, उस संस्था में आप 27 वर्ष तक कोषाध्यक्ष रहे, आप लोगों का सहयोग है। इस संस्था के बारे में कुछ अपना अनुभव दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? संस्था बांद्रा से चालू की, यार्ड में के अंदर से, फिर हम शून्य से लेके आज समाज में अच्छे काम की ओर बढ़ रहे हैं। शिक्षा और व्यवहार और भाईचारा, एक दूसरे की पहचान से हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और समाज की बहुत परिचय सम्मेलन होता है, स्नेह सम्मेलन होता है, उसमें सब लोग मिलते हैं। उसमें समाज के सभी लोग भाई अपने ज्ञान पूर्वक अपने इच्छा से मदद करके बहुत आगे बढ़ रही है संस्था है। प्रजापत समाज को शिखर पर ले जाने के लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे ताकि समाज अधिक से? समाज में सबसे पहले छोटे छोटे लोग थे हम लोग, बिजनेस में व्यवसाय में नहीं थे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े थे। अभी हमारे समाज में और अच्छे अच्छे लोग जुड़ गए और उस संस्था को आगे ले जाने की पूरा कोशिश कर रहे हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा। मुखार प्रजापत समाज का जो प्रमुख व्यवसाय था जैसे कि मिट्टी से बर्तन बनाना, कूलर बनाना, वो व्यवसाय आज कहीं ना कहीं मतलब विलुप्त होता जा रहा है। सरकार भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है और तमाम लोग गाँव में आज भी बेरोजगार हैं। इस व्यवसाय वापस पटरी पर लाने के लिए क्या आप अपील करना चाहते हैं? मैं समाज के सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जो अपना पारिवारिक सामाजिक व्यवसाय है उसको थोड़ा बहुत उसको आगे बढ़ाएं और राजनीतिक तौर से उसके ऊपर फायदा उठाएं, वापस जिंदा रखने के लिए कोशिश करना पड़ेगा और उसको आगे चलाना पड़ेगा। प्रजापत समाज एक समाज एक बहुत मतलब शिक्षित नहीं होने के कारण राजनीति में आगे नहीं चल पाया है और राजनीति में ज्ञान देना चाहिए और समाज हमेशा समाज के साथ में है। आपने जैसा कि कहा कि आप एक शून्य से शिखर तक का सफर तय किया, आने वाले समय में आपकी क्या कुछ प्लानिंग है जो समाज में एक लक्ष्मण प्रजापति की एक अलग पहचान बने? मेरा यही सोच है कि सभी भाई साथ में मिलकर समाज को आगे बढ़ाएं और समाज को उच्च क्वालिटी पर ले जावे, जहाँ पे चर्चा हो सके कि एक समाज पर प्रजापत समाज एक विशाल समूह में पेश हुआ है और बम्बई में इसकी मान्यता है, इसकी मान्य होना चाहिए कि ये प्रजापत समाज भी बम्बई में कुछ है। हम लोग यही चाहते हैं कि एक ही छाया में आवे और उसको समाज को आगे बढ़ावें। जैसा कि आपने कहा कि एकता में शक्ति होती है, एक ही छाया में आवे तो वो छाया जो है बन जाती है। तो प्रजापत समाज में जो मेवाड़ के रहवासी, राजस्थान के रहवासी, प्रजापत समाज के साथ साथ राजस्थान वासियों के लिए, उनके लिए आप क्या? मेरी समाज के सभी भाइयों और बहनों से यही विनती है कि समाज स्वच्छ और शुद्ध विचार रखें अपने और अपनी नीति साफ रखें, अपनी योग्यता साफ रखें और इस समाज को आगे से आगे बढ़ावें, यही मैं समाज से कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सबसे बातचीत करने के लिए। कहते हैं जैसा आचार होता है वैसे विचार होता है, वैसे व्यवहार होता है वैसा आचरण होता है। ये जो थे लक्ष्मण प्रजापति, दीपक का कहा है कि अपनी नीयत साफ रखें, पूरी तरह कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करें, निश्चित तौर पर सफलता हासिल होती है।
कहा जाता है कदम चुम लेगी तो जाकर मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत हारे। ऐसी कहावतें जो है पुरानी जो भी कहावतें हैं आज भी 100% लक्ष्मण प्रजापत जैसे सरीखे की शान पर सटीक साबित होती है। कैमरा पर्सन शमशाद सिंह के साथ रितेश पाठक, मंगल मीडिया, मुंबई। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।